पढ़ी तो, और अब मैं चाहूंगा कि हमारे भाई बासित राणा जिस अंदाज से जो इनका फॉर्मेट है वो इस पूरे सेशन को लेके चलते हैं, वो लेके चलें, मैं भी साथ में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरी जरूरत होगी बात करने की वो इंशाल्लाह मैं बात कर लूंगा। क्या आप जी सबको मेरी आवाज आ रही है? सर, बहुत क्लियर आ रही जी है। सर, क्लियर आवाज आ रही है। आ रही है क्लियर। ये बात है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, मैं इंतहाई मशहूर हूँ सर, आपकी इन हालात में भी आपने थोड़ा सा टाइम दिया और आप 3 घंटे के लिए अवेलेबल हुए, मैं इंतहाई मशहूर हूँ इस हवाले से, और तमाम तर साथ हमारा आपके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो किसी भी किस्म की कोई भी बात है हम आपके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह खैर वाफियत के मामला हमारे हम सब के साथ रखे, आमीन। सर आपने जो ये बड़ा एफर्ट किया, उर्दू में तर्जुमा किया है इस किताब का, कामयाबी दर कामयाबी, और इसमें जो है वो अब तक के सेशंस के अंदर हमने कुछ इसी तरह की जो है ना वो कुछ बातें कही, हमारे ऑडियंस को हमने असाइनमेंट दिया, जो पार्टिसिपेंट्स थे हमारे उनको हमने असाइनमेंट दिया हर एक को, और वो इस तरह दिया सर कि हमने चाहा कि ये इस किताब को पढ़े, पूरे 3 से 4 महीना हमने उनको टाइम दिया, और आज वो दिन है जिसके अंदर वो अपना फीडबैक जरूर शेयर करेंगे। इस कामयाबी दर कामयाबी का मकसद शेयर करने का ये है कि ताकि जो है वो कामयाबी के सही बेहतर कुछ कोई एक नया पर्सपेक्टिव जो है वो समझ में आए कि कामयाबी दर कामयाबी आखिर क्या कहती है। उर्दू में बहुत आसान हो जाता है बातों को समझना, और जिस तरह आपने जो है वो उसके अंदर टेबुलर वे में और जो है वो बेहतर जो है वो तर्जुमा और अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को मुरतब किया है, उसके लिए मैं इंतहाई मशहूर हूँ। अब सर जितने भी पार्टिसिपेंट अभी मौजूद हैं एक एक करके नाम लिया जाएगा और वो 5 से 7 मिनट उनको दिए जाएंगे, वो उस 5 से 7 मिनट में इसको कूजे में बंद करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इसको इस किताब से क्या सीखा, और इस किताब से पहले भी हो सकता है उन्होंने कभी ये किताब का अंग्रेजी वर्जन पढ़ा हो, या हो सकता है कि कोई और वैल्यू एडिशन जो उन्होंने सीखी हो, तो वो जरूर शेयर करेंगे। तो मैं आपकी इजाजत से शुरू करता हूँ। पहला जो है वो नंबर पे जो हमारे पास मैं सीक्वेंस में ही चल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास डॉक्टर सरवत आ रही है, तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सरवत साहिबा आप जो है वो 7 मिनट हमारे साथ शेयर करें इस कामयाबी दर कामयाबी के हवाले से, और आपने क्या सीखा इसमें, ये किताब क्या कहती है, प्लीज हमसे शेयर कीजिए डॉक्टर सरवत साहिबा। आपकी आवाज आपकी आवाज ये जो आवाज है आपकी, और थोड़ी बेहतर कर लें आवाज थोड़ी सी, ऐसा लग रहा है कि इसमें 1 लाख ऐसा लग रहा है कि 1 लाख जालियां हैं उसको चीर फाड़ करके आवाज आ रही है। जी, आपकी आवाज आ रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि 1 लाख जाली लगी हुई है और उसमें से फट के आ गई आपकी आवाज, तो या तो माइक का मसला है या सर मैं फिर ये हेडफोन हटा हैंड देती फ्री। हूँ। हाँ मैंने तो बेट ये हेडफोन हैंड फ्री हटा दूँ। हटा दें, ये बेस्ट है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। पहले अच्छी आ रही थी, अब बहुत दूर हो गई। आवाज आ रही है बेहतर तरीके से? सर बहुत दूर से आ रही है। बिल्कुल मैंने हैंड फ्री हटा दिया है और बिल्कुल लैपटॉप के सामने हूँ, क्या अब बेहतर आ रही है, किया जाए? अब बहुत अच्छी आ रही है एक आवाज, सेकेंड में बस ये और पोजीशन संभाल लीजिए आप। 100% पे है सर अब तो ये। जी ये पोजीशन संभाल लीजिए, ये बहुत अच्छी पोजीशन है जी संभाल ली सर। जी, ये सर सबसे बेहतर। पहले तो मैं इरफान साहब को
बहुत मुबारकबाद पेश करूंगी आपके। किताब का लिखना, बहसियत मुसन्निफ मुझे अंदाजा है कि अपनी किताब लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी दूसरी जबान की किताब को तर्जुमा करना और बामुहावरा तर्जुमा करना, क्योंकि तर्जुमा अगर हम लफ्ज ब लफ्ज करें तो कभी भी हम उस मफहूम को समझा नहीं सकते। और सर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस किताब को इतना अच्छा तर्जुमा किया कि बिल्कुल नेचुरल लग रहा है कि जैसे इन्होंने खुद ने लिखी है। ये किताब जो है वो मेरे नजदीक सिर्फ कामयाबी नहीं, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि कामयाबी दर कामयाबी, यानी कामयाबी के एक तसलसल को इन्होंने वजाहत की है कि अपने जिंदगी के हर शोबे में हम किस तरह मेहनत, डिसिप्लिन और मुस्तकिल मिजाजी से कामयाबी, बतदरीज कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बहुत सादा तरीके और आम फहम तरीके से कामयाबी के राज इसमें समझाए गए हैं, और ये बताया गया है कि कामयाबी जो है वो कभी एक जंप लगाकर हासिल नहीं की जा सकती। जैसे कि उमूमी तौर पे हम लोग उमूमी तौर पे ये ख्वाब देखते हैं किसी भी बड़े काम के लिए और चाहते हैं कि बहुत जल्दी हो जाए, या शॉर्टकट के जरिए चाह रहे होते हैं, लेकिन इस किताब में ये समझाया गया है कि किस तरह जीना बजीना, छोटे छोटे इकदाम करके, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करके हम बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। फिर उन्होंने इस किताब को 5 अबवाब में तकसीम किया है और हर बाब में मुफस्सिल तरीके से उन इकदाम को और उस फॉर्मूले को, जिसको इन्होंने मुरक्कब असर का नाम दिया है या कंपाउंड इफेक्ट की कुव्वत को कहकर मुतवर्रिफ कराया है। ये एक निजाम है जो बतदरीज यानी मरहलावार हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है या तब्दीली ला सकता है। तो इस किताब के मुसन्निफ की जिंदगी में जो तजुर्बात का निचोड़ की सूरत में उन्होंने इस मुरक्कब को पेश किया है कि उन्होंने किस तरह अपनी जिंदगी के हर लाए अमल में इस फार्मूले को जो है वो मद्देनजर रखा। अब हम ये देखते हैं कि फार्मूला यानी मुरक्कब असर है क्या। तो क्योंकि ये उर्दू में नाम है मुरक्कब, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मुरक्कब किसे कहते हैं। मुरक्कब एक से ज्यादा चीजों को जोड़कर जो चीज बनती है उसको मुरक्कब कहा जाता है। जैसे पानी को हम कहते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मुरक्कब है, तो बिल्कुल इसी तरह इस किताब में उन्होंने कामयाब जिंदगी के कुछ उसूल वजह किए हैं और वो हमें समझाए गए हैं कि दरअसल कामयाबी इन उसूलों का मुरक्कब है। यानी अगर हम इन उसूलों पर अमल करें, इनके मुरक्कब पे अमल करें, तो मुरक्कब असर छोटे छोटे और जहीन इंतखाब का नाम है, या छोटे छोटे इकदाम का या फैसलों का नाम है, और जब हम वो करते हैं सोच समझ के शऊरी तौर पे, तो फिर एक बड़ा इनाम यानी कामयाबी की सूरत में हमें मिलता है। अच्छा, फिर जिंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको उमूमी तौर पे हम उनसे सरफे नजर कर रहे होते हैं, और उसमें से कुछ हमारी आदत होती है, कुछ हमारी सोच होती है, वो हम उसको नजरअंदाज कर रहे होते हैं, जबकि दर हकीकत वही हमारी कामयाबी के रास्ते में जो है वो मुश्किल पत्थर की तरह आ रही होती है, लेकिन चूंकि हम उन्हें छोटा समझ रहे होते हैं। और इसी तरह बहुत सारी छोटी छोटी अच्छी आदतें या इकदाम होते हैं जिन्हें हम ये सोच के नजरअंदाज कर देते हैं कि ये छोटी सी चीज है, लेकिन अगर हम उसी छोटी सी चीज को या छोटे से कदम को उठा लें तो हम एक बड़ी कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो इस किताब में इन्होंने समझाया कि छोटी छोटी आदत या इकदाम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरीकों से हमारी जिंदगी की कामयाबियों में किस तरह से अंदाज होती है। फिर उन्होंने मुरक्कब असर को अमली शक्ल देने के लिए उसूल बयान किए हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो जिसे उज्र यानी जो हम लिए एक्सक्यूजेस पेश कर रहे होते हैं, मतलब हमारी अपनी मिसाल सबसे पहले है कि टाइम नहीं मिला था, या हमने ईमेल नहीं देखी, या हमारा फोन खराब था, वॉट एवर, जो भी अपनी जिंदगी के छोटे से छोटे मामलात में भी जो उज्र ख्वाही की जो आदत है वो छोड़ देनी चाहिए, और वो तमाम शोबे, फिर पूरा एक फॉर्मूला बताया जो कि मैं जाहिर है कि पूरी किताब नहीं पढ़ के बता सकती, लेकिन वो तमाम शोबे जिसमें कामयाबी हासिल की है वो हमारी नजर में होने चाहिए, और कि हमने कामयाबी हासिल की तो वो पॉजिटिव चीजें जिनकी वजह से हमने कामयाबी हासिल की उन आदतों को हम बरकरार रखें ताकि हम आगे मुस्तकबिल में भी जो शोबे हैं उसमें कामयाब हो सके, और जिन वजूहात की बिना पे हम नाकाम हुए हैं हमको उनकी भी लिस्ट बनानी चाहिए। उसके बाद फिर दूसरे भाग में वो च्वाइस यानी इंतखाब के ऊपर आ जाते हैं कि च्वाइस के ऊपर बहस की गई है कि दरअसल हर इंसान इस दुनिया में आता है तो इस कैफियत में आता है तो वो एक कुदरती कैफियत होती है, लेकिन जब वो इस दुनिया से जा रहा होता है तो वो अमीर होता है या गरीब होता है, बीमार होता है, उसमें काफी हद तक उसकी अपने इकदामात, मसलन ये कि अगर मुझे शुगर, मेरे मौरूसी तौर पे मेरे पेरेंट्स को शुगर है, अब एक बच्चा है उसके जीन में शुगर मौजूद है, अब अगर वो शुगर ज्यादा नहीं लेता है, उसका शुगर का इंटेक कम है,
तो बढ़ावे में उसको शुगर होने के इम्कान कम हो जाते हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ जानने के बावजूद मीठी शय खाते रहते हैं और डायबिटीज के मरीज बन जाते हैं, तो हमारा जो इख्तिताम जिंदगी का हो रहा है उसमें हमारी चॉइस का अमल दखल होगा। ये मिसाल मैं अपने पास से समझा रही हूँ, जो मैंने समझा है कि हमारी जिंदगी का जो इख्तिताम हो रहा होता है वो जिस हालत में हो रहा होता है, हम अमीर हैं या गरीब हैं, हम सेहतमंद हैं या सेहतमंद नहीं है, उसका काफी समझे कि 70-80% इंतखाब का उससे ताल्लुक होता है। इंतखाब जो है वो दरअसल एक आदत का पेश खेमा होता है, और ये चीज जो है सर शकील ने भी हमें अपनी क्लास में समझाई थी कि जब कोई चीज आदत होती है, बार बार रिपीट होती है आदत, जो चीज बार बार हम करते हैं या जो काम हम बार बार करते हैं वो आदत हमारे किरदार का और शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। तो अगर हम आदतों का इंतखाब कुछ तो लाशोरी तौर पे कर रहे होते हैं कि बचपन से पेरेंट्स को देख के, इर्द गिर्द के माहौल को देख के आदत बन गई, लेकिन जब हम सिने शऊर को पहुंचते हैं और हमें मालूम हो जाता है कि कोई आदत बुरी है या अच्छी, तो हम कोशिश करके अपने कुव्वत इरादी के जरिए अपनी आदत को तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि वो इंसान जिंदगी में हमेशा नाकाम होता है जिसको उसकी आदतें कंट्रोल कर रही हों। और अगर देखा जाए तो हमारा दीन भी यही हमें सिखाता है कि इंसान को अपने नफ्स पे कंट्रोल होना चाहिए, ना कि नफ्स उसको कंट्रोल करे। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि बगैर सोचे समझे हम किसी भी आदत का या किसी भी चीज का इंतखाब नहीं करें, और क्योंकि अगर हम बगैर सोचे समझे या गैर शौरी तौर पे चीजों का इंतखाब करेंगे तो वो हमें हमेशा तब्दीली और मौसर आदत की तश्कील के फैसले से रोक देगी। तो और साथ साथ ही इसी बात में वो किस्मत को भी कामयाबी का किरदार करार दे रहे हैं, वो ये कि किस्मत को दोष देना जो है वो दुरुस्त नहीं होता के खुशनसीबी या बदनसीबी। अगर देखा जाए तो हकीकतन हम लोग सब खुशकिस्मत हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमें खुदा ने जिंदगी दी है, हमें खुदा ने सेहत दी है, हमें खुदा ने बहुत सारी ऐसी नेमतें दी हैं। बात दरअसल ये है कि हर जिंदगी को, हर इंसान को जो है अपनी जिंदगी में मौका मिलता है, खुशनसीबी जो है दस्तक दे रही होती है, आप उस पर तवज्जो दें या ना दें ये जो है ये आपके अपने हाथ में होता है। फिर उसके लिए इन्होंने एक मुकम्मल फार्मूला पेश किया है कि तैयारी यानी खुदनुमोई, या जिसको कह सकते हैं कि अपनी जमीना साजी के अपने आप को तैयार करना, फिर उसमें रवैये आ जाते हैं या रवैयों में जैसे आपकी आपका यकीन या आपकी नीयत, फिर आपकी जहनियत, आपकी सोच, आपका मिजाज आ जाता है, फिर उसमें प्लस कर देते हैं कि अच्छा वक्त और अच्छा मौका, यानी सही वक्त पे दुरुस्त फैसला करना, फिर उस फैसले पे अमल करना, इन सब चीजों को मिला के जो है वो खुशकिस्मती का हुसूल होता है, यानी किसी हद तक इंसान की किस्मत उसके अपने हाथ में होती है। उसके बाद फिर ये इसी बाब में कहते हैं कि जो हमारे साथ तल्ख असबाब होते हैं या हमें जो सबक मिलता है किसी चीज से, हम लोग उमूमी तौर पर जिम्मेदारी अपने साथ होने वाली चीजों की जिम्मेदारी किस्मत पे डाल देते हैं, या हम अपने बहुत सारे एक्सक्यूजेस पेश करने लगते हैं, वही उज़्र-ख्वाही वाली बात आ जाती है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ये नहीं होता, या मगर ऐसा हुआ होता। तो उसमें ये कहते हैं कि अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी जो है उसको कबूल करना सीखें और उज़्र-ख्वाही से बचें, यानी हमारी जिंदगी जो भी है उसकी सबसे पहली और बड़ी वजह हम खुद हैं। अगर हमको इस चीज का इदराक हो जाए कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी आइंदा होगा उसकी सबसे बड़ी वजह हम हैं, तो हम सबसे पहले जो है अपनी तवज्जो जो है वो खुद साजी पे करेंगे। और खुद साजी किस तरह हो सकती है, आगे चल के ये बताते हैं कि बाखबरी और आगही, इसको वो खुफिया हथियार का भी नाम दे रहे हैं, कि जिसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम खुद से आगाह रहने के लिए हम जो भी अमल करते हैं जिंदगी के किसी शोबे के लिए जिसमें हम कामयाबी चाह रहे हैं, तो हम उसको नोट करना शुरू कर दें, उसको याद रखना शुरू कर दें। इन्होंने एक ट्रैकिंग का तरीकेकार हमें बताया है, एक सादा सा तरीका, कि हम अपने बर्ताव की ट्रैकिंग करें, खुद शनासी के लिए हम लिखें कि हम अहदाफ को मुतय्यन करने के बाद ट्रैकिंग शुरू कर दें। अगर हम किसी भी मौजू पर, मतलब अगर हम डाइटिंग कर रहे हैं, या अगर हम पैसा बचाना चाह रहे हैं, या अगर हम किसी भी किस्म की कोई कामयाबी चाह रहे हैं सेहत के शोबे में, किसी भी शोबे में, इल्म के शोबे में, तो फिर हम छोटे छोटे इकदाम करें हदफ मुतय्यन करके, और फिर हम लिखना शुरू करें कि हमने आया के जो उसूल और जवाबित मुतय्यन किए हैं उन पर हम चेक रखें कि वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हर कदम पर रोजाना नए इंतखाबात यानी उसकी इकदाम की तश्कील करें, यहाँ तक कि वो आदत बन जाए। अगर हम सोचें कि हम एक ही दिन में सारी आदत तब्दील कर लेंगे तो इतना आसान नहीं होता, या हम एक ही दिन में तमाम शोबों को तब्दील कर लेंगे, नहीं। अच्छा, इस चीज से जो मैंने सीखा है मैं वो भी बताती चलूं कि हमें अपने छोटे छोटे इकदाम से मुराद ये कि हम अगर अपने हर दिन पे फोकस करें, जैसे कि हजरत अली ने फरमाया कि मोमिन
हर दिन ईद है, हम ईद इसलिए मनाते हैं ना कि वो कामयाबी होती है रमजान और मुबारक में, इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल करके खुदा के बताए हुए रस्ते पे चल के कामयाब होता है। तो अगर हम हर दिन को ये सोच के गुजारें कि हमें ये दिन कामयाब गुजारना है और उस दिन के हिसाब से कुछ अहदाफ हो मुतय्यन कर ले, तो वो छोटी छोटी आदत, मसलन ये कि अगर हम ये मुतय्यन कर लें कि हमें हर दिन इतने बजे उठना है, इतने घंटे में, यानी हम सुबह में नमाज के बाद प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें ये काम इतने बजे तक कंप्लीट कर लेने हैं, तो हम एक दिन का हदफ सामने रखेंगे और वो 24 घंटों के अंदर जब हमारा हदफ पूरा होगा तो हमारा अगला कदम अगले कामयाब दिन की तरफ जाएगा। अगर हम इस तरह छोटे छोटे अहदाफ मुतय्यन करके उन पर फोकस करके चलेंगे तो हमारा पूरा हफ्ता कामयाब गुजरेगा, और बिल्कुल इसी तरह जब हमारा पूरा हफ्ता कामयाब गुजरेगा तो पूरा महीना कामयाब गुजरेगा। और ये जिंदगी में जो कामयाबी दर कामयाबी जैसे कि इस किताब का नाम है, तो ये इस असूल के ऊपर चलते हुए हम छोटी छोटी कामयाबियों को बड़ी कामयाबियों में बदलते चले जाएंगे। उसके बाद फिर इन्होंने आदत को डिस्कस किया है कि आदत जितनी पुख्ता होती है उनको बदलना और तक करना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये बात अभी मैं कह चुकी हूँ कि ऑटो पायलट की तरह अगर हम अपने आप को आदत पे छोड़ देंगे तो नुकसान में रहेंगे। तो ये है कि आदत में तब्दीली हमें हमारी कामयाबी के ग्राफ को ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी ला सकती है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि आदत के साथ साथ खुद को मुतहर्रिक रखने का असल सबब जो है वो बुनियादी इकदार है। अगर इकदार वाजे नहीं है, जैसा कि सर एम्बियार ने भी अभी कल वाली क्लास में बताया था कि इकदार को सबसे पहले मुतय्यन करना होता है, तो अगर इकदार मुतय्यन और वाजे नहीं है तो फिर मतलूबा आपको मंजिल के दरमियान और आपके दरमियान तजाद रहेगा। इसलिए तजाद रहेगा कि अगर आपकी इख्तियार जो है उसमें दयानतदारी है, सच बोलना है, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं या कहीं बेईमानी करते हैं तो फिर आप तो जो है वो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जमीर आपको मलामत करता रहेगा और आप सुकून की कैफियत में नहीं आएंगे, और जब आप जहनी दबाव का शिकार होंगे तो आप कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। तो फिर इकदार को अहमियत दी गई है, और उसके साथ साथ इन्होंने इस बाब में हदफ को भी अहमियत दी है कि जो हदफ है उसका तयन बहुत जरूरी है।